नमस्कार, मैं हूं निधि झा और आप देख रहे हैं जीएस न्यूज। आइए शुरुआत करते हैं बिहार की 10 फटाफट बड़ी खबरों के साथ। बिहार में मिले कोरोना के 1276 नए मरीज, राज्य में पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा पहुंचा 2,825। बिहार में कोरोना संक्रमण की रफ्तार अब धीमी हो गई है, लेकिन इसके बावजूद भी हर रोज हजारों की संख्या में पॉजिटिव मरीज मिल रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग की ओर से ताजा अपडेट जारी की गई है। इस अपडेट के मुताबिक बिहार में 1,276 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। इसके साथ ही राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 2,825 हो गई है। बिहार में फिलहाल 11,859 कोरोना के एक्टिव मरीज मिले हैं। बिहार के औरंगाबाद में रैली को संबोधित करने पहुंचे जेपी नड्डा। चकाई और सूर्यगढ़ा में भी सीएम नीतीश ने मांगे वोट। पक्ष विपक्ष की बयानबाजी चरम सीमा पर पहुंच गई है। नेताओं की वर्चुअल के साथ एक्चुअल जनसभाएं भी जोर शोर पकड़ चुकी है। गुरुवार को भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा रोहतास के बाद औरंगाबाद में जनसभा को संबोधित किया। साथ ही नीतीश कुमार ने भी चकाई विधानसभा क्षेत्र के लिए शेखपुर सराय तथा पालीगंज के साथ कई विधानसभा में चुनावी जनसभाओं को संबोधित किया। मुजफ्फरपुर में नामांकन के बाद महागठबंधन प्रत्याशी समेत दो को किया गिरफ्तार। कांटी निर्वाचन क्षेत्र से नामांकन करने वाले राष्ट्रीय सेवा दल पार्टी के अंशु कुमार के साथ माले उम्मीदवार आफताब आलम की गिरफ्तारी हो चुकी है। इन पर आत्महत्या के मामले में सड़क जाम व बवाल करने को लेकर पहले से मामला दर्ज था। राजधानी पटना में ज्वेलरी दुकान में भीषण चोरी, हाथ पर हाथ धरे रह गई पटना पुलिस। राजधानी पटना में अपराध कम होने का नाम नहीं ले रहा। अपराध का ग्राफ पटना सिटी में काफी बढ़ गया है। अपराधियों ने पटना पुलिस को चुनौती देते हुए ओम साई ज्वेलरी दुकान में लगभग 20 लाख रुपए की ज्वेलरी सहित नगद की चोरी कर ली है। तेजस्वी के बाद माले का बड़ा ऐलान, नियोजित शिक्षकों को समान काम समान वेतन की देंगे गारंटी। बिहार विधानसभा चुनाव की रफ्तार दिनों दिन तेज होती जा रही है। ऐसे में CPIML ने चुनाव के लिए घोषणा पत्र जारी कर दी है। महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने एक घोषणा पत्र जारी करते हुए कहा, मैं बिहार के बेहतर भविष्य का संकल्प लेता हूँ, साथ ही नियोजित शिक्षकों को समान वेतन समान काम की गारंटी देता हूं। गलत मुकदमों के कारण जेल में बंद किसान नेताओं की रिहाई होगी। बिहार में मानवाधिकार की रक्षा की गारंटी होगी। पूर्व को लेकर रेलवे चलाएगी 14 जोड़ी पूजा स्पेशल ट्रेन, यात्रियों को मिलेगी बड़ी राहत। पूर्व त्योहार को देखते हुए रेलवे इस बार 14 जोड़ी पूजा स्पेशल ट्रेन चलाने वाली है, जिससे यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी। खास तौर पर छठ पर्व के दौरान हजारों की संख्या में दूसरे राज्यों से रहने वाले बिहार के लोग अपने गांव आते हैं, ऐसे में उनको बहुत बड़ी राहत मिलने वाली है। बिहार चुनाव में अभूतपूर्व होगी सुरक्षा, अर्धसैनिक और राज्य पुलिस की 1200 कंपनियां होंगी तैनात। देश में कोरोना काल के दौरान पहली बार हो रहे चुनाव में आयोग कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाह रही। बिहार चुनाव में सुरक्षा के इस बार अभूतपूर्व इंतजाम देखने को मिलेंगे। इसके लिए अर्धसैनिक बलों के साथ साथ राज्य में पुलिस की 1200 कंपनियां तैनात की जाएगी, जिसमें CRPF, SSB, BSF, ITBP, CISF और RPF की कंपनियां शामिल होंगी। गोह में सबसे खास फैक्टर है रणविजय, बीजेपी अध्यक्ष नड्डा को भी मैदान में उतरना पड़ा। बिहार में पहले चरण के लिए जिन सीटों पर मतदान होना है उसमें गोह विधानसभा सीट भी बेहद हॉट मानी जा रही है। गोह सीट पर फिलहाल NDA का कब्जा है, लेकिन यहां NDA से ही पाला बदलकर रालोसपा के ताल ठोक रहे पूर्व विधायक रणविजय कुमार सबसे खास चुनावी फैक्टर बन गए हैं। सीतामढ़ी में दुर्गा पूजा मनाने के लिए मचा बवाल, लोगों ने सड़क जाम कर की आगजनी। आम लोगों के बीच दुर्गा पूजा को लेकर खास उत्साह होता है, लेकिन कोरोना संक्रमण को लेकर जारी गाइडलाइन के अनुसार बिहार में बड़े पंडाल बनने पर रोक लगा दी गई है। सीतामढ़ी में दुर्गा पूजा पर रोक लगाए जाने से सरकारी फरमान को लेकर लोगों में काफी गुस्सा फूट रहा है।
निर्दलीय प्रत्याशियों के समर्थकों पर पुलिस ने चटकाई लाठी। समाहरणालय परिसर में मची अफरा तफरी। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर नामांकन का दौर जारी है। हालांकि इसके लिए चुनाव आयोग की ओर से कई दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। इसमें केवल 2 लोगों को लेकर प्रत्याशी नामांकन करने जा सकते हैं, लेकिन कई जगहों पर उम्मीदवार इस नियम का उल्लंघन कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज हाजीपुर समाहरणालय परिसर में उस समय अफरा तफरी मच गई जब निर्दलीय प्रत्याशियों के साथ आई भीड़ पर पुलिस ने लाठीचार्ज करना शुरू कर दिया।